नमस्कार, आप देख रहे हैं वेबनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत है, उनका नाम पलक है, लेकिन काम कुछ ऐसे की है कि लोग इनको सिर पर ताज की तरह पहनकर लोगों के सामने बताते हैं कि देखिए ये है मेरी पलक। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पलक। गिनेस बुक, उसके बाद लिम्का बुक, हर जगह आपके नाम पढ़ते हुए आते हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि बहुत प्राउड फीलिंग आती है जब आपके बारे में कोई बात करता है या आपकी कोई बात करता है या आपसे कोई बात करता है। टेल मी, रियली आपको दिल में क्या फीलिंग आती है? ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है और लोग मेरे बारे में बात करते हैं. इससे ज्यादा आई थिंक इस बात की खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में डिफरेंस आ पाता है. बिकॉज अवार्ड्स, गिनेस बुक और बाकी सारे रिकॉग्निशंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वो सब मिला है. बट एट द सेम टाइम उसके पीछे का जो कॉज है, दैट्स द मेन मकसद, दैट्स द मेन मोटिव. और वो बच्चे जिनके लिए मैं गाती हूँ, आई थिंक जब मैं उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ या उनसे मिलती हूँ और जब उनके चेहरे पर वो तसल्ली देखती हूँ, आई थिंक दैट्स समथिंग आई ट्रूली ट्रूली लिव फॉर. दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत सारी दुआओं के बीच में आप पली बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। एक बात बताइए पलक, बचपन से जब से आप ये काम कर रही हैं, सर्टनली उस समय तो आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आपके माँ बाप ने, घर वालों ने प्रॉपरली सपोर्ट किया होगा। पहला वो ऐसा कौन सा मौका था जब आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं ऐसा काम कर रही हूँ, अच्छा मेरे वजह से शायद कोई हंस रहा है, शायद कोई जीवन की सांस ले पा रहा है? सबसे पहले ये बात रियलाइज हुई कि सिंगिंग के थ्रू मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, जब कारगिल वॉर हुआ था एंड दुकान दुकान जाकर आई जस्ट टोल्ड मामा कि मुझे भी डोनेट करना है, बिकॉज इंदौर में काफ़ी सारे लोग आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे थे डोनेशन में. सो मामा न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे सुनाया करती थी एंड शी टोल्ड मी कि लॉट ऑफ पीपल आर डोनेटिंग, सो आई सेड कि मुझे भी कुछ करना है. एंड देन आई वेंट टू द शॉप, सिर्फ आसपास की दुकानों पर जाकर मैंने ए मेरे वतन के लोगों गाना सुना सुना के शॉपकीपर को इस गाने के बदले कुछ डोनेट कीजिए. एंड बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उम्मीद जरूर थी. 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए एंड फॉर अ 6-year-old गर्ल टू कलेक्ट 25,000 रुपीज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, आई थिंक वाज अ वेरी वेरी बिग डील. एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे मदद मांगने के लिए लोग आने लगे, किसी और कॉज के लिए, किसी और कॉज के लिए. सो ऐसे ही हार्ट पेशेंट एक हमारे पास आया, एक बच्चा इंदौर का ही, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि आपने अभी रिसेंटली सोल्जर्स के लिए पैसे जमा किए, तो इस बच्चे के दिल में 2 छेद हैं, अगर आप इसकी भी कुछ मदद कर सके. और ऑनेस्टली मुझे ऐसे मौकों की तलाश होती थी, बिकॉज मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ और शायद जो कम प्रिविलेज लोग हैं उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो देन उस बच्चे के लिए पलाश और मैंने राजवाड़ा पर ही एक छोटा सा मंच बनाकर सिर्फ गाना शुरू कर दिया. एंड पहले ही उस सो कॉल्ड कॉन्सर्ट में 55,000 रुपए इकट्ठे हो गए. उस बच्चे की सर्जरी हो गई, लेकिन उस बच्चे की सर्जरी फ्री में हो गई, बिकॉज एक डॉक्टर डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को फ्री में ऑपरेट कर देंगे जब तुम इसके लिए इतना कर रही हो. सो देन उन 55,000 रुपये के लिए हमने पेपर में एक आर्टिकल दिया कि अगर और कोई ज़रूरतमंद है तो वो आकर इनका लाभ उठा सकता है. एंड द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई थिंक 7 बच्चे आ गए थे मदद के लिए. सो जब शुरू हुआ था तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता था कि ये एक सिलसिला चल जाएगा इस तरह का या मेरी जिंदगी का ही मिशन बन जाएगा. इट वॉज जस्ट वन ऑफ द कॉजेस एंड अब तो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेंटर ऑफ माय लाइफ. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. जैसा आप बोलती हैं कि आप अपने आप को प्रिविलेज मानती हैं और चाहती हैं कि थोड़ी सी जितनी भी मदद कर सकूं मैं उतनी लोगों की मदद करती चलूं, लेकिन एट द सेम टाइम आज भी अगर हम सिर्फ महिलाओं की बातें करते हैं, सिर्फ लड़कियों की बातें करते हैं, तो व्हाट इज योर टेक? आर यू हैप्पी, यू आर सैटिस्फाइड और यू आर सैड? आई एम डेफिनेटली हैप्पी, नॉट सैटिस्फाइड येट, बट आई थिंक आई एम गेटिंग देयर. बिकॉज अगर हम बात करें 5 साल पहले की या 10 साल पहले की, तो आज की जो कंडीशन है महिलाओं की वो डेफिनेटली बेहतर है. एंड इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीमी विजन, आई थिंक इट्स
एक बिग चेंज हैज कम, जिस तरह लोग लड़कियों को देखते हैं, जिस तरह लड़कियों ने लोगों की सोच बदली है, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल. और मैं हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही वर्क करना पसंद करती हूँ. हालांकि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि हमारे देश में कई सारी समस्याओं से जूझ रही हैं, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट चेंज होना बाकी है, बट आई थिंक शुरुआत हो चुकी है एंड वी आर इन दैट डायरेक्शन. जब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है वो बोलना बंद हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक व्हाट यू से कि लड़की और लड़का बराबर है या लड़की लड़के से कम नहीं है, आई थिंक वी आर ऑलरेडी सेटिंग अ लिमिट और थ्रेशोल्ड की ये पैमाना है जहां पर हमें पहुंचना है. हो सकता है लड़कियां लड़कों से बेहतर हो, सो आई थिंक वी आर रीचिंग देयर एंड आई एम रियली हैप्पी. I can completely understand. But still, आपको लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बदलने की जरूरत है. अब आप चूंकि इतने सारे लोगों को पेन से निकलकर एक हीलिंग प्रोसेस में जाते हुए देख चुकी हैं, तो आपका इस मामले पर क्या कहना है कि अभी कौन सी चीजों की जरूरत ज्यादा है किसी भी महिला या महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली फीमेल एजुकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं इंडिया में अभी भी जहाँ पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है. अगर उनके पास लिमिटेड बजट है एक फैमिली में, तो दे प्रेफर कि लड़के को स्कूल भेजा जाए ताकि बड़े होकर वो पैसे कमाए और पूरी फैमिली की जवाबदारी निभाए. बट आई थिंक लोगों को अब ये समझने की जरूरत है कि इवन गर्ल्स कैन बी प्रोवाइडर्स. बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने परिवार का खर्चा उठाती हैं, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ. सो आई थिंक दैट्स समथिंग वी डेफिनेटली नीड टू बी फोकस्ड अपॉन. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपने मिशन में बहुत सारे लोग ऐसे देखती हूँ जो कि बच्चे को लेकर आते हैं, वो बोलते हैं इट्स वेरी सैड एक्चुअली, जैसे कि लड़की है बच जाए तो ठीक है, नहीं बच्चे तो इट्स ओके. एंड इट्स वेरी वेरी डिसहार्डनिंग टू एक्चुअली यू नो कम अक्रॉस सच पुअर माइंड सेट, बिकॉज अभी भी कुछ लोग अगर लड़की को अभिशाप मान रहे हैं, विच इज रियलिटी. गाँव में तो बहुत ज्यादा ऐसी बातें होती हैं. सो इट्स रियली सैड. आई थिंक वो माइंड सेट बदलने की जरूरत है. प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा वी नीड टू फोकस. आप बहुत यंग एज के हो, आप न्यू जनरेशन की नई लड़की हो, नई सोच की लड़की हो, विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मेनी थिंग्स. गुस्सा नहीं आता जब कोई ऐसा बोलता है? तो हमें शायद मैं आपकी एज में मेरे सामने कोई ऐसा होता तो मैं तलवार निकाल के खड़ी हो जाती. नहीं, एक बार ऐसा हुआ था एक्चुअली. देयर वाज दिस फैमिली, उनसे कि डॉक्टर अंकल ने कहा कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है बच्चे की और बचना थोड़ा मुश्किल है, तो पेरेंट्स घर जाने लगे. हमने बोला क्या हुआ, अभी तो सर्जरी बाकी है बच्चे की. तो लेकिन हाँ हाँ भी बच्चे की तो है नहीं, और बच्चे भी नहीं बच्चे हमको कोई मतलब नहीं है. तो देन आई टोल्ड माय मम्मा की लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गर्ल, अगर वो बचती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेट्स नॉट गिव ऑल टू देम नाउ. सो आई वाज रियली रियली अपसेट. फिर वो बच्ची डेफिनेटली बच गई थी एंड देन वो पेरेंट्स को शायद समझ में भी आ गया था तब तक. एंड अब वो बड़ी भी हो गई है और मैं सभी बच्चों से टच में हूँ, सो आई नो दैट द गर्ल जिसको वो लोग अबैंडन करने का सोच रहे थे, दैट गर्ल इज नाउ परस्यूइंग इंजीनियरिंग. And वो अपने उन्हीं parents का खर्चा उठाने वाली है कुछ दिनों में. So I think time teaches in its own way. But हाँ, गुस्सा तो definitely आता है. गुस्से से ज्यादा दुख होता है कि आज भी लोगों की सोच इतनी ज्यादा गरीब है. मेरा इनफैक्ट नेक्स्ट सवाल वही होने वाला था. इतने सारे लोगों की बच्चों की आपने जान बचाई है और बहुत अपने ही बचपन से आप शुरू हो गई थी. अब जब वो लोग आपके सामने आते हैं या नहीं आते, हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू मीट, हाउ डू दे बिहेव? I am in touch with almost all of them. कुछ राखी अभी बनवाते हैं मुझसे, कुछ बच्चे दिवाली पर आते हैं मिलने, मेरे बर्थडे पर मिलती हूँ मैं उनसे. इनफैक्ट वो अपने बर्थडे उसी दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है, बिकॉज एक दूसरा जन्म ही होता है हार्ट सर्जरी. I also have dolls in my room. जितनी surgeries होती है अपनी गुड़ियाएं मैं collect करती हूँ, तो उनके नाम भी मैंने उन बच्चों पर ही रखे हैं. So I have 2276 dolls in my room. So yeah, I feel that
I have those blessings around me, you know, truly, truly, I feel that when I wake up in the morning, mujhe aisa mehsoos hota hai ki wo duaye, wo blessings mere saath hain. And that's something which motivates me to continue this. Because jab main un bachon se surgery ke pehle milti hoon, surgery ke baad milti hoon, uske baad itne saalon tak connected rehti hoon, kuch जब मैंने शुरू किया, मैं और मेरा भाई हम खुद बहुत छोटे थे और 17 साल तक के बच्चों की सर्जरीज करवाते हैं. तो पहले के जो बच्चे थे वो अब कोई डॉक्टर बन गया है, किसी की शादी हो गई है. सो इट्स लाइक अ फैमिली ऑफ यू नो ओवर 2000 पीपल. सो इट फील्स अमेजिंग. यू साउंड लाइक अ मम्मा ऑफ किड्स. अच्छा, अभी अब जिस तरीके की फील्ड में आप है वहां तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है. So, वहां पर किस तरीके से आपको देखा जाता है, यू एज अ पर्सन हु हैज डन सो मेनी थिंग्स और यू एज अ सिंगर? कंप्लीटली एज अ सिंगर. आई मीन आई डू हैव एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स, आई गेस आई डू हैव एक्स्ट्रा लव, बट अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस मैटर्स, नथिंग एल्स. बिकॉज अगर मेरा प्रोफेशन है प्लेबैक सिंगिंग, and if I can't deliver what I'm required to, so then wahan par to you know kids can't come and sing on my behalf. So I only have to perform. So of course as a professional, but I must admit ki un bachon ki duaon ki wajah se mujhe hamesha se extra opportunities mili hai. Because main completely non musical background se aati hu, marwari family se hu, indoor se yahan mumbai aayi hu. हम किसी को भी नहीं जानते थे दो तीन लोगों के अलावा. एंड यहाँ पर आकर इतनी जल्दी इतना सारा काम मिल जाना, इतने सारे गाने मिल जाना, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, आई थिंक इज वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग्स. और शायद ये उन बच्चों की दुआओं की वजह से. इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ जस्ट पुटिंग द थिंग्स. आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी? हर कोई शायद आपकी तरह मदद नहीं कर पाए, शायद उसे मदद की जरूरत हो, या फिर किसी के अंदर वो दिल में वो भावना अभी तक नहीं जागी है. ऐसे अलग अलग तरीके के लोगों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मदद करने की सिर्फ इंटेंशन रखें. जरूरी नहीं है कि आप किसी के फाइनेंशियली आर्थिक रूप से ही मदद करें. मदद अलग अलग तरीके से हो सकती है. लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं, आई कैन से दिस बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, कितने भी पैसे कमा रहे हैं, आई कीप रिपीटिंग दिस बिकॉज आई ट्रूली ट्रूली बिलीव कि आप कितने भी पैसे कमा रहे हैं, आप कितने भी अवार्ड्स जीत लें, बट व्हेन यू सी समवन स्माइल बिकॉज ऑफ यू, आई थिंक उससे ज्यादा बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती. और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपको जरूरी नहीं है सिर्फ पैसों से ही मदद करनी पड़े. अगर आप दिन में किसी ऐसे पर्सन का हाल चाल पूछ लें जिसकी लाइफ में और कोई नहीं है, ये छोटे छोटे जेस्टर्स कर दें, अपने जो कपड़े हैं जो आप यूज नहीं करते हैं वो किसी जरूरतमंद को दे दें. बहुत सारे तरीके हैं मदद करने के. सो लॉट ऑफ यंगस्टर्स स्पेशली कम टू मी एंड दे से कि यू नो दीदी जब हम कमाना शुरू करेंगे तब हम भी मदद करेंगे. सो आई कीप टेलिंग देम दैट इट्स नॉट नेसेसरी कमाना शुरू करें, बिकॉज व्हेन आई एंड माय ब्रदर वी स्टार्टेड आवर मिशन वी लिटरली परफॉर्मड ऑन अ रोड ठेला गाड़ी पर. सो वी डिडंट हैव एनी सोर्सेस. हमने अपनी तरफ से भी उनके पैसे से मदद नहीं की थी. सो इफ यू हैव द इंटेंशन यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वेज, बट मदद करने की इंटेंशन जरूर रखें. That's a beautiful way. चलिए, thanks a lot इतना time देने के लिए और आपके busy schedule में से मुझे इतना समय निकाल कर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Pleasure. Bye-bye. Bye. Take care.